ये है उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास का रेलवे स्टेशन यूनिटी, और आप देख रहे हैं कि यात्रीगण रेलवे में सफर करने के बजाय उसे धक्के देकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, ये ट्रेन तो वाकई चल पड़ी और आगे भी बढ़ गई। आखिर क्या हुआ, क्या है मामला और क्यों ये सब कुछ करना पड़ा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। रास्ते में कार या बाइक खराब होने के बाद उसे धक्का लगाकर अपने ठिकाने तक पहुंचाते हुए देखा होगा। ऐसे नजारे आमतौर पर सड़क पर चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आइए आज आपको बताते हैं एक हादसा जिसमें यात्रियों को ट्रेन में धक्का लगाकर उसे अलग करना पड़ा, उसे ठिकाने तक लगाना पड़ा। क्या था माजरा, पूरा वो माजरा हम आपको बता देते हैं। आज सुबह सहारनपुर से चलकर दिल्ली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन जैसे ही देवबंद क्रॉस किया तो उसकी बोगियों में आवाज़ आने लगी। सकोती स्टेशन पार किया तो उसके डब्बों से धुआं नज़र आने लगा। यात्रियों ने शोर मचाया और आते आते दोराला तक उस ट्रेन के डब्बों में आग लग गई। जी हाँ, इसके बाद यात्रियों ने ट्रेन के डब्बों को धक्का मार करके जलती हुई बोगियों से उसे अलग किया। आप देख सकते हैं कि ये डिब्बे हैं जिन्हें यात्रियों ने धक्का मारकर उन्हें अलग किया और थोड़ा उसे अलग ठिकाने तक पहुंचाया। यदि यात्रियों का ये साहस नहीं होता और वो धक्का मारकर उन ट्रेन के डब्बों को जलती बोगियों से अलग नहीं करते तो शायद वो पूरी ट्रेन एक बर्निंग ट्रेन के रूप में नज़र आती, बड़ी जानमाल की हानि यहाँ हो सकती थी। लेकिन इसे यात्रियों का साहस और उनकी सूझबूझ का परिचय ही कहा जाएगा। इसी के साथ इसमें ड्राइवर, इस ट्रेन के चालक को भी शाबाशी देंगे कि जैसे ही यात्रियों ने शोर मचाया उन्होंने ट्रेन रोक दी। इसके बाद सभी यात्रियों को जलती बोगियों से सुरक्षित निकाल लिया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह आग लगने के बाद उन बोगियों को फायर कर्मियों ने आग बुझाई और इन्हीं ट्रेन के दो कोच और इंजन से बाकी डब्बों को यात्रियों ने अलग कर धक्का मारकर उसे अलग अपने ठिकाने तक पहुंचाया, जिससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच पाई। दरअसल यूपी के सहारनपुर से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन में शनिवार की सुबह मेरठ के दौराला स्टेशन पर अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन के ब्रेक जाम होने के चलते यह हादसा हुआ। आग की तेज लपटों से ट्रेन के इंजन से दो डिब्बे जलकर राख हो गए, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और एक बार फिर चलते हैं अपने संवाददाता के पास जो आपको देंगे कुछ और जानकारियां। हमारे साथ है खतौली के धर्मेंद्र, जो सहारनपुर से दिल्ली जाने वाली इस पैसेंजर ट्रेन में सवार थे जिसके कोच में आग लग गई थी। और ये एक यात्री ऐसे हैं जो जिन यात्रियों ने इस जलते हुए डब्बों से दूसरे डब्बों को यात्रियों के साथ मिलकर धक्का मारकर उन्हें अलग किया था। आइए उनसे जानते हैं पूरा घटनाक्रम। धर्मेंद्र जी, किस तरह से डब्बों में आग लगी थी और क्या माजरा था? मैं खिड़की पर ही खड़ा हुआ था जब ट्रेन जो है सकोती से निकली, तो तब तक कुछ नहीं था। थोड़ी दूर चलने के बाद मैं खिड़की पर खड़ा हुआ था तो बदबू आ रही थी, मैं समझा कि आ रही होगी किसी चीज़ की बदबू। लेकिन जब दौराला रुकी ट्रेन, उसमें आग लगी थी, ट्रेन में आग लगी हुई थी, तो ड्राइवर ने और गार्ड ने जो है इंजन को लोग को खोला, उसको कपलिंग को खोला और हम लोगों ने उसको जो है फिर अलग किया। अच्छा, किस तरह से जैसे कोच में आग लग गई थी तो किस तरह से इन कोचों को आप लोगों ने अलग किया है? धक्का लगा करके अलग किया है, ट्रेन को अगले कोच को अलग किया और पिछलों को अलग किया, और बीच के जो तीन कोच हैं ये जल गए।